अस्सलाम वालेकुम। और जो है ना आज घर में बन रही आलू की कचलियाँ, सिंपल सी रेसिपी है ये, और जो झटपट बन जाती है। गर्मियों में तो यार बस दिल चाहता है कुछ जल्दी से खाना बन जाए और फारिग हो जाए। और मेरी सिस्टर की और हिम्मत है कि वो इतनी गर्मी में खड़े होकर खाना वगैरह बना लेती है ना, मैं तो बेहोशी हो जाऊँ, इतनी गर्मी हो रही होती है ना दोपहर में। तो भाई आज सिंपल सी आलू की कचलियाँ वो बनानी थी। आप यकीन करें वो सिंपल सा भी कुछ बनाती है ना, उनके हाथों पर इतना टेस्टी कि मुझे ना उनके हाथ की दाल भी अच्छी लगती है। मतलब मेरी दोनों सिस्टर जो है ना बहुत अच्छा खाना बनाती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो है ना कुछ लोग होते हैं ना जो दाल भी बनाते हैं तो उनके हाथ में जो है ना जायका होता है, तो बस वही जायका ना मेरी बहनों के हाथों में, अम्मी के हाथ में भी था और इनके हाथों में भी है। और माशाल्लाह मैं भी कुछ बनाती हूँ तो अच्छे ही बनाती हूँ, लेकिन मैं बहुत कम कुछ बनाती हूँ। कराची में ही बनाया है, यहाँ तो खैर मेहमान आई हूँ मैं यहाँ पर, लेकिन जो है ना वो मतलब मैं मेहमान पाक पतन आई हूँ पंजाब बहनों के घर। वो लोग बनाती हैं खाना वाना, तो मैं जो है ना रिकॉर्डिंग कर लेती हूँ। रिकॉर्डिंग तो मैं बहुत कम ही करती हूँ क्योंकि रिकॉर्डिंग का मुझे जो है ना कोई टाइम ही नहीं मिलता भाई। रिकॉर्डिंग का मसला ये कि जब मैं रिकॉर्डिंग करने बैठती हूँ कभी कोई आ जाता है कभी कोई आ जाता है, तो मुझे स्किप करनी पड़ती है रिकॉर्डिंग, और इतना कोई शोर करते हैं कि मैं डाल ही नहीं सकती रिकॉर्ड करके कुछ ना। तो अगर कोई ना भी आए ना तो भाई गली में कभी बाइक चली जाती है गुजर के, कहीं भी सन्नाटे में जाके बैठूँ तो भी वहाँ पर भी शोर आ जाता है। तो आज पता नहीं कैसे अभी इसमें थोड़ा बहुत शोर नहीं आया। वैसे अभी मेरा भांजा भी आया था, उसने गेट खोला था तो मैंने स्किप कर दिया था। तो बस ये पूरी रेसिपी आपने देख ली होगी, लाइक करें सर।